वेलकम स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो। पहले हम देखेंगे जो बेसिक ग्लासवेयर यूज होते हैं केमिस्ट्री में वो। ये बीकर है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये सेपरेटिंग फनल है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये डेंसिटी बॉटल है, ये फनल है, ये आयोडीन फ्लास्क है, ये चाइना डिश है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये पीपेट है और ये थर्मामीटर है। अभी हम एक एक इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो केमिस्ट्री में यूज होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले हमें ये रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। इसमें अपना नाम, डेट और टाइम लिखना पड़ता है। ये कंडक्टोमीटर है, इसमें हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। इसमें डिफरेंट नॉब्स है। ये जो फर्स्ट नॉब है ये टेम्परेचर का है, सेकेंड सेल कॉन्स्टेंट का है, थर्ड रेंज का है और फोर्थ है जो फंक्शन हमें परफॉर्म करना है उसका। और ये डिस्प्ले है, यहाँ पे रीडिंग्स दिखती है। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस। यहाँ पे इसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट रीडिंग आती है। और हर इंस्ट्रूमेंट की SOPs लगी हुई होती है उनके बाजू में, इसमें क्या कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, यहाँ पे सब लिखा हुआ होता है हर अपैरेटस का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एबिस रिफ्रेक्टोमीटर। इसमें हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे बैक साइड में इसका सैम्पलिंग करते हैं, एक ड्रॉप यहाँ रखना पड़ता है सैम्पल की। ये लाइट है, इसके ऊपर आती है और ये आईपीस है, यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे रीडिंग्स आती है। ये है फोटोफ्लोरोमीटर, इसमें हम फॉस्फोरेसेंस चेक करते हैं। ये सैम्पलिंग यूनिट है, यहाँ पे सैम्पल रखते हैं और यहाँ पे रीडिंग्स आती है। ये डिजिटल वेइंग बैलेंस है, इसमें हम हमारे जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको वे करते हैं। इससे यहाँ पे पहले बटर पेपर रखना पड़ता है, फिर आगे मेजरमेंट करना पड़ता है वेट का। ये जो है ये स्टेबिलिटी चैम्बर है। अगर कोई भी टेस्टिंग हायर टेम्परेचर्स या कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल ह्यूमिडिटी में करनी पड़ती है तो उन्हें एटलीस्ट सिक्स मंथ के लिए यहाँ पे इसमें रखना पड़ता है और फिर उसकी टेस्टिंग होती है। ये कैसा होता है अंदर से। इसमें अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं और ये इसका डिस्प्ले है। यहाँ से हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट करते हैं और मेंटेन करते हैं। ये डिफरेंट इंडिकेटर्स है, ये लैंप का बटन है और ये मेन स्विच है। इसे ऑन करने से पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाता है। और ये पानी का आउटलेट है वहाँ पर। अभी हम दूसरे लैब में चलेंगे जहाँ दूसरे इंस्ट्रूमेंट है। ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसमें ये सैम्पलिंग यूनिट है, ये सैम्पलिंग यूनिट है, यहाँ पे हम सैंपल रखते हैं और यहाँ पे हम ब्लैंक रखते हैं। और ये इसका डिस्प्ले है, यहाँ पे जो भी स्पेक्ट्रम आते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं और एब्जॉर्बेंस डिस्प्ले होता है। हर एक जो भी हम सैंपल यूज़ करते हैं, डिफरेंट सैंपल्स या फिर डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस होता है, तो वो वेवलेंथ से हम वो वेवलेंथ देख के हम बता सकते हैं कि वो मटेरियल कौन सा है। ये है डिजिटल पीएच मीटर, इसमें हम कोई भी सॉल्यूशन का पीएच देख सकते हैं कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो सब इससे पता चल जाता है। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये काफ़ी हैवी वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आया तो इंस्ट्रूमेंट डैमेज भी हो सकता है, तो डैमेज ना हो इसीलिए ये यूज़ करना पड़ता है वोल्टेज स्टेबलाइजर।
ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। यहाँ पे हम सैम्पलिंग करते हैं। यहाँ पे सैम्पलिंग जो होती है वो पैलेट्स में होती है। पहले पैलेट प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद सैम्पलिंग होती है। इसमें होता यह है कि अगर कोई मटेरियल है और हमें उसमें देखना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जो भी रीडिंग्स और स्पेक्ट्रम आता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जनरेट हो जाता है और यहाँ पर डिस्प्ले होता है, और हमें पता चल जाता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स में प्रेजेंट है। ये माइक्रोवेव सिंथेसाइजर है। अगर किसी भी सिंथेसिस को हमें माइक्रोवेव इन्वायरमेंट देना पड़ता है तो वो हम इसमें परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम एक चाइना डिश या जो भी क्रूसिबल बोला जाता है उसमें रखते हैं मटेरियल अपना, और उसे यहाँ प्लेस करते हैं और यहाँ से सब सेटिंग करते हैं कि कितना टेम्परेचर चाहिए और कितनी देर के लिए हमें उसे माइक्रोवेव इन्वायरमेंट देना है। अगर रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कंडेंसेशन, तो ये माइक्रोवेव के साथ अटैच कंडेंसर है, इसे कंडेंसर कहते हैं। इसमें एक इनलेट होती है और एक आउटलेट होती है, इसमें से सॉल्वेंट इन करते हैं और बाहर निकलता है बाद में रिएक्शन होने तक। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये दूसरा माइक्रोवेव है, इसमें कंडेंसर नहीं है, बाकी सब फंक्शन इसमें सेम ही होते हैं। ये इनकी SOPs लगी हुई है यहाँ पे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिंगल डिस्टिलेशन वाटर निकालने के लिए है। जो भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म होते हैं उन सबके लिए डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके डिस्टिल्ड वाटर निकालते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो इसे ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये इसकी आउटलेट है, यहाँ से डिस्टिल्ड वाटर मिलता है हमें, और ये जो है ये उसका वेस्ट है, यहाँ से वेस्ट बाहर आता है इसका। जो इसके पहले इंस्ट्रूमेंट देखा वो सिंगल डिस्टिल्ड वाटर असेंबली थी, ये जो है ये डबल डिस्टिल्ड वाटर असेंबली के लिए है। अगर हमें डबल डिस्टिल्ड वाटर चाहिए हमें हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले वाटर यहाँ आता है, यहाँ से डिस्टिल होके यहाँ पीछे वाले सेक्शन में जाता है, फिर वहाँ वो फिर से डिस्टिल होता है और इसके आउटलेट से हमें मिलता है। ये दोनों के बटन हैं, ये फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए, ये यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।